गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और भाई आज थर्सडे है और आज मैं कर रहा हूँ होम ऑफिस। शाम में एक प्राइवेट अपॉइंटमेंट है तो उसके लिए जाना है, तो मैंने सोचा कि अगर ऑफिस जाऊँगा तो फिर लंच टाइम में वापस आना पड़ेगा, तो इतनी ड्राइविंग क्यों की जाए, बेटर है घर से ही काम करते हैं तो सब सही रहेगा। और भाई आज का जो वेदर है, हे भगवान भाई, मतलब आज का क्या, कल से ही चल रहा है। कल शाम को इतनी तेज आंधी आई है और इतनी बारिश हुई है। तो पहले तो मैं आपको अपनी बालकनी काल दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, हवा ने क्या किया, ये जितनी भी चेयर और ये सब यहाँ पे बेंच वगैरह रखी हुई है, सब की सब नीचे गिरी हुई है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पूरा और ये मतलब अच्छे से उखड़ के गिरा ही है। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ हमारी इस लाइट का, तो हमने यहाँ पे एक ये लाइट लगा रखी थी, तो देख रहे हो ये भी पूरी की पूरी नीचे गिर गई है। अब इसको मुझे वापस सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी भाई देख रहे हो, पूरा ये सब नीचे गिरा हुआ है। तो गाइज़ वेदर काफ़ी ख़राब चल रहा है। नॉर्मली यार मार्च के महीने में ऐसा वेदर नहीं होता, बट पता नहीं क्या हो रखा है इस साल जर्मनी में कि सब एकदम बेकार। मतलब जो वेदर है काफ़ी ठंडा है यार, इतनी ठंडी भी नहीं होती है। और गाइज़ हवा तो भाई अभी भी चल रही है अच्छी खासी, तो यार ठंड भी लग रही है। तो मैं जाता हूँ अंदर, अपना काम कंटिन्यू करता हूँ और फिर आगे का ब्लॉग बनाते हैं। और गाइज़ ये जो पौधा मैं लेके आया था गुलाब का, भाई ये भी अब एकदम सूख ही रहा है। ईशा इसमें पानी वगैरह सब डाल रही है बट पता नहीं क्यों। तो अगर आप ये देखो अंदर पूरा, मतलब इसके पत्तों के साइड में आप देख रहे हो एकदम पूरा सब पीला पीला हो रखा है। फूल भी, ये भी अब एकदम काले से पड़ने लग रहे हैं। तो पूरा का पूरा पौधा अपना सूखता जा रहा है। तो यार अभी मैं और ईशा सोच रहे हैं कि इसका क्या करें। हो सकता है शायद इसमें इसका जो गमला है वो छोटा सा है, तो हो सकता है कि मिट्टी पूरी ना पड़ रही हो, तो आज इसका गमला भी चेंज करने का प्लान है। हमारे पास रखी हुई अच्छी खासी कंपोस्ट और अच्छी सॉइल भी, तो ये भी जर्मनी में आप खरीद सकते हो, तो हमने ख़रीदा हुआ है ऑलरेडी बड़ा सा एक 10 लीटर का पैक। तो इसको चेंज करते हैं। यार बड़े मन से लेके आया था मैं यार ये गुलाब का ना, और अच्छा ही लग रहा है यार जिस तरीके से पूरा मुरझा रहा है। देखो आप, पूरा एकदम काफ़ी हद तक मुरझा गया है यार। और भाई दूसरा कारण ये भी है कि अभी जैसे बाहर आप मौसम देख ही रहे हो, लगातार आंधी चल रही है, बारिश हो रही है और बहुत ठंड है यार। मतलब ये पौधों वाला सीज़न तो डेफिनेटली नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। इसको हमेशा हमें घर में ही रखना पड़ता है। जब कभी धूप निकलती है थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, पर फिर वही टेम्परेचर इतना कम रहता है। कोशिश करते हैं भाई इसको रिवाइव करने की, बड़े मन से लेके आए हैं। हमारे घर के बाहर का नज़ारा, ये रहा घर के सामने रेवे, ये बायोमार्ट और ये रहा वहाँ पे डोमिनोज। तो ज़्यादा दूर जाने की हमें कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे सैलून भी है 66, और यहाँ पे ये पार शूले यानी यहाँ पे क्या सुमित, ड्राइविंग स्कूल है ये यहाँ पे। तो हमारे घर के सामने सब कुछ है, तो ज़्यादा दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे उतरो और सारा काम बन जाता है हमारा। और यहाँ पे स्कूल भी है, ये रहा। मौसम ठीक हो गया, नहीं तो सुबह एकदम जैसे हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो एकदम सही मौसम। और ये झूला भी लग गया, उस साइड दिख रहा होगा आपको ये झूला। ये 14 मार्च से स्टार्ट होएगा, तो सुमित यहाँ पे झूलने जरूर आएंगे। मेरे को जरूर झूला होता है। ये पूरी सोसाइटी है, यहाँ पे घर ही घर है। ये आ गया रेलवे स्टेशन जिसे बोलते हैं बानोफ, यहाँ पे तो सामने ही है। और यहाँ पे दिख रहा होगा सामने इस साइड मर्कडन है, ये मर्कडन मॉल भी घर के सामने ही है। ये हमारे सामने से गई एक बस, लहराती बलखाती, और हमें वेट करना पड़ रहा है। ये हम आगे पार्क हाउस मर्कडन यानी पार्किंग में हमारी गाड़ी को पार्क करने के लिए, फिर हम घुसेंगे मॉल के अंदर। तो सुमित की ड्राइविंग स्किल काफ़ी अच्छी हो गई है, अब सुमित घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं और एकदम मस्त होके गाड़ी चलाते हैं। तो देख रहे हो कितने कर्व आ रहे हैं, और सुमित कैसे एकदम स्मूथ गाड़ी को चलाए जा रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम सुमित ने गाड़ी ली थी तब हम मर्कडन आए थे, तो मुझे काफ़ी डर लगा था सुमित के साथ यहाँ पे आते वक्त। सुमित कुछ विशेष टिप्पणी कहेंगे? भाई तब तो लगता ही था ना, इतना कर्व है, चढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, मेन मजा आता है उतारने में। एक बारी तो मुझे यहाँ से जब फर्स्ट टाइम था यहाँ से टिकट मुझे उतरना पड़ा टिकट लेने के लिए, क्योंकि सुमित ने काफी दूर खड़ी की थी गाड़ी। भाई इधर भी दिखा दो, इतनी बातें मैं लगाने वाला भी नहीं हूँ ना, तो हमारा ये भी खुल गया था, हमारी गाड़ी एकदम चले जा रही है।
और अब हमारा स्ट्रगल होगा पार्किंग के लिए। यस, कि पार्किंग कहाँ मिलती है कहाँ नहीं। तो लाइफ में स्ट्रगल है काफी, पर अगर आप हंस के करो तो कोई नहीं, जा सकती हो तुम बालाएं, आप भी अंकल जा सकते हो, तुम्हें सबको जगह देते हैं। अब ये गाड़ी निकल रही है, इनको इसको भी जगह देंगे। तो आज हम यहीं पे करेंगे 1028 पे पार्क डेक P1B में। मेकअप ज्यादा लगा रखा है इसलिए सुमित कह रहे हैं मेकअप की दुकान लग रही है, तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती। सब्जी हम लेंगे भिंडी, भिंडी और हरी मिर्चा, ये दो सब्जी लेनी है हमें, कि हम ले नहीं रहे क्योंकि दो ही रखी है, दो में से कौन सी अच्छी होगी कौन सी अच्छी नहीं, तो दो बची हैं तो हम नहीं लेंगे, इसलिए भिंडी ज्यादा लग रही है, हरी मिर्च ज्यादा लग रही है, तो हम यही लेंगे। और भाई ये बिना नमकीन के तो बात नहीं बनती, सब खत्म हो गया, तो आज यहीं से नमकीन आ जाएगा। ईशा का चेहरा देख लो, ऑलरेडी गुस्से में आ गई, नहीं ले सकते हैं अब तो। तो भाई मैं तो ले रहा हूँ नमकीन। तो मेरे सुंदर बाबू के सुंदर सोना, जो हमारा सफेद मंकी है जिसने दाढ़ी उगा रखी है, उसके लिए हम ले रखे हैं शाही मिक्सचर और ये दाल भुजी। ये दाल भुजी खाओगे? मुझे तो देखने में अच्छी नहीं लगी। ले लो, अच्छी होती है। तो हमने एक दाल भुजी भी ले ली है, और इस बार मैं सुमित से यहीं पर डील कर लूँ, इन नमकीन के हाथ नहीं लगाएंगे सुमित, ये मैं खट्टा मीठा ले रही हूँ, वो भी दो मेरे लिए, हाथ नहीं लगने चाहिए इस पे। और भाई यहाँ पर ना जो आटा है स्पेशली आशीर्वाद का, आशीर्वाद आटा या कोई भी इंडियन ब्रांड का आटा है, यहाँ पे जर्मनी वाले अलाउड नहीं कर रहे, जर्मनी वाले नहीं अलाउड नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, जर्मनी वाले गवर्नमेंट कह रहे कि हमारा देसी आटा खाओ, यहाँ के गेहूं का आटा खाओ, इंडियन है तो क्या हुआ, इंडियन का खाओगे यहाँ का खाओ? नहीं भाई, मतलब वो ऐसा नहीं है, आ ही नहीं रहा है आटा, वो पूछा मैंने उससे कि आटा क्यों नहीं है, हमारे पास रोटियों की दिक्कत है इसलिए हम रोज एक एक रोटी खाते हैं, तीन रोटियों से करके हमने एक एक रोटी कर दी है, अब हम एक रोटी खाते हैं दोनों के दोनों। इंडियन स्टोर से आते आते मेरा मुझे लगा कि आइसक्रीम खानी चाहिए, और सुमित का मूड भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी दिन से मेरी बकायद सुन सुन के सुमित इतने वो हो गए कि बोले कि आज तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, वो भी अच्छी वाली और महंगे वाली। तो भाई पता नहीं, ईशा जो है आज सुबह से ही सस्ता महंगे में लगी हुई है तब से। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हो रखी हूँ, तो जहाँ पे मुझे ट्रीट मिलते हैं मैं वहीं पे घुस जाती हूँ। तो नहीं भाई, यहाँ पे अच्छी आइसक्रीम मिलती है, काफ़ी दिन से हमने खाई भी नहीं है, और आज मन भी कर रहा है तो खा लेते हैं, हालांकि मौसम आइसक्रीम वाला नहीं है बट चलता है। मेरी नाक बह रही है फिर भी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, मेरी नाकों में से पानी निकल रहा है तो मैं फिर भी आइसक्रीम खा रही हूँ, साथ में टिश्यू पेपर भी है मेरे पास कि आइसक्रीम खाऊंगी नोज पोंछूंगी, आइसक्रीम खाऊंगी नोज पोंछूंगी। हमने यहाँ पे ये स्पेगेटी इटालियानो ये ऑर्डर किया है, तो इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, कीवी भी है और वाइट चॉकलेट भी है, और अल्कोहल भी नहीं है, और अल्कोहल भी नहीं है क्योंकि मैं एकदम वो नॉन अल्कोहलिक लड़कियों में से हूँ, तो इसमें अल्कोहल भी नहीं है इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। तो मेरा मिल्क शेक पीने का मन कर रहा था, ये सुमित ने अपनी पसंद की ऑर्डर करी है वेनिला आइसक्रीम, क्योंकि वेनिला मैं आइसक्रीम खाती रहती, तो मेरा मन नहीं था वेनिला खाने का, तो मैं अपने लिए मिल्क शेक ऑर्डर करूँगी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन सा करूँ, उसमें छः है, बनाना है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, चॉकलेट है, और ये काफ़ी बोलते हैं यहाँ पे, नोटक का कॉफ़ी काफ़ी, तो कौन सा करें? सुमित ने इतनी सुंदर आइसक्रीम मंगवाई है, इसमें तीन फ्लेवर है, कीवी वेनिला एंड ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, साथ में हमको दो बिस्किट भी मिले हैं, एक सुमित का एक मेरा, और ये ऊपर क्या गिरके टॉप, ये चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट, वाइट चॉकलेट डाल रखा है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, तो ये आज का हमारा थंबनेल है। ये ऐसे होगा, बिस्किट यहाँ पे लिख रखा है बिस्किट के ऊपर, तो ये आज का मेरा हमारा थंबनेल है, ये ऐसे लिया थोड़ा सा थंबनेल के लिए। इट्स यम्मी, सही में अच्छा है कि तुम ऐसे ही बोल रही हो, बोलना पड़ता है वीडियो के लिए, नहीं ऐसा टेस्टी भी है, मैं स्ट्रॉबेरी लिया है तुम्हारे वाला तो अच्छा है काफ़ी। सुमित बोल रहे हैं कि तुम बहुत ही लाउड बोल रही हो, यहाँ के आसपास पब्लिक सुन रही है तुम्हारी बातें, तो मैं बोल रही कि ये जर्मन, इनको थोड़ी ना समझ में आ रही होगी मेरी बातें। और भाई ईशा अपना थोड़ी शाही हो गई है, इधर उधर देखने लग रही है कि लोग सही में तो नहीं देख रहे। चलो भाई ठीक है भाई, फिर हम अपना एंजॉय करते हैं इस आइसक्रीम को। तो भाई ईशा आज काफ़ी खुश है,
हमारी सिर्फ आइसक्रीम की बात हुई थी और बाद में ईशा ने बोला शेक भी पीना है, तो ये देखो ईशा का शेक भी आ गया। तो ईशा की जीभ पे चटकारे मारती है ना, पिस्ता वाला शेक है ये, तो मैंने पिस्ता वाला एकदम शेक, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। सुमित की आइसक्रीम में दोनों में चटकारे मारूंगी, ये तो मेरा है ही, इसमें भी चटकारे मारूंगी। बढ़िया आइसक्रीम है भाई, मजा आ रहा है ना खाने में, अच्छी है काफी अच्छी। तो भाई ईशा को आइसक्रीम नहीं खानी थी, उसे केवल शेक पीना था, आइसक्रीम से बस कुछ उसे एक दो चम्मच ही खानी थी, तो उसकी एक दो चम्मच दिखाता है, देखो इसने आधे ज्यादा आइसक्रीम खुद ही निपटा दी है, तो अभी आइसक्रीम जरा सी बची है बस मेरे लिए। और भाई आप पता है जब मैंने बोला ना कि भाई मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो, तो अब छोड़ा और अब ये ईशा शेक पीने पे आ गई, अभी आप कह रही है मैं अपना शेक पीऊंगी, तो मैं कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी, हमने शेक मंगवाया तो शेक ही पीऊंगी ना, मैं आइसक्रीम थोड़ी ना खाऊंगी। और भाई अगर मरकरे ना आया तो ऑरेंज जूस लेना जरूरी है, तो ये भी ले लिया हमने। तो भाई अब हम वापस जा रहे हैं और ईशा का मन बिल्कुल नहीं है मॉल से जाने का, चेहरा देखो कैसे उतरा हुआ है।